पूरे महाराष्ट्र को पर्यावरण की तरफ बढ़ने का संदेश देने वाले ठाणे महानगर पालिका ने इस बार गणेश विसर्जन के लिए डीजी ठाणे प्रणाली का उपयोग करने का फैसला किया है। यह कदम ठाणे शहर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को इस संकट से बचाने के लिए लिया गया है। इस प्रणाली के तहत अब लोग बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए एक साथ विसर्जन स्थल पर नहीं आ पाएंगे। विसर्जन के लिए पहले उन्हें ऑनलाइन समय बुक करना होगा और पालिका द्वारा दिए गए समय पर ही विसर्जन स्थल पर आना होगा। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का गणेश मंडल और नागरिक पालन करें, इस बात की अपील ठाणे महानगर पालिका के महापौर नरेश मस्के और कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा ने की है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव की निशानी गणेश उत्सव को नगर पालिका और पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाने के लिए योजना बना रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना विसर्जन के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉट की भी है। टीएमसी द्वारा गणेश विसर्जन के समय होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए विसर्जन के लिए 13 जगहों पर कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, साथ ही 20 जगहों पर मूर्ति स्वीकृति केंद्र भी बनाए जाएंगे। नागरिकों के लिए ठाणे महानगर पालिका की तरफ से डीजी ठाणे कोविड डैशबोर्ड पर जाकर ऑनलाइन टाइम स्लॉट विसर्जन के लिए बुक कर सकते हैं। 14 अगस्त 2020 यानी शुक्रवार से ठाणे शहर के नागरिक महानगर पालिका की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नागरिक www.covidthane.org के पेज पर जाकर विसर्जन के लिए ऑनलाइन टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठाणे शहर के जो इलाके हॉटस्पॉट जोन में आते हैं वहां के गणेश भक्तों को बाहर विसर्जन स्थल पर आने की अनुमति नहीं होगी। वहाँ सभी लोगों को अपने घरों या सोसाइटी में ही गणपति बप्पा का विसर्जन करना होगा। ये कोरोना की परिस्थिति है, इस वर्ष हमको हर साल की तरह गणपति बप्पा का स्वागत उस पैमाने पर हम नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र शासन ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं और उसी के आधार पर ठाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी कोरोना की पार्श्वभूमि में गणपति उत्सव कैसे मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित वातावरण कैसे बना रहे, इसके लिए हमने गाइडलाइन इशू की हैं। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।